हर टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्तामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। पैगंबर मोहम्मद साहब पर एक टीवी डिबेट के दौरान विवादित बयान देने के मामले में भारतीय जनता पार्टी ने प्रवक्ता नुपुर शर्मा पर एक्शन लिया है। बीजेपी ने नुपुर शर्मा की प्राथमिक सदस्यता निलंबित कर दी है। उनके खिलाफ पार्टी ने जांच के आदेश भी दिए हैं। वहीं दिल्ली बीजेपी के मीडिया प्रभारी नवीन कुमार जिंदल पर भी एक्शन हुआ है। पार्टी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया है। बताया जा रहा है कि नवीन कुमार जिंदल ने इस मसले को लेकर कुछ विवादित ट्वीट किया था। ऐसे में अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने लेटर जारी करते हुए बताया कि नवीन कुमार जिंदल ने सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक सद्भावना भड़काने वाले विचार प्रकट किए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के मूल विचार के विरोध में है। वहीं पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह की ओर से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में पार्टी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को ऐसा कोई भी विचार स्वीकृत नहीं है जो किसी भी धर्म संप्रदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाए। भाजपा ना ऐसे किसी विचार को मानती है और ना ही प्रोत्साहन देती है। पार्टी की ओर से की गई निलंबन की कार्रवाई के बाद नुपुर शर्मा का बयान भी सामने आया है। उन्होंने मीडिया के साथ ही लोगों को अपील की है कि उनके घर का पता सार्वजनिक न किया जाए। उन्होंने कहा है कि इससे मेरे परिवार की सुरक्षा को खतरा है। बहरहाल अब नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल को बीजेपी पार्टी ने कड़ा एक्शन लिया और इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया है। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।